नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि, नित्य की भांति आपकी सेवा में तत्पर। स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो तक पर। मित्रों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज मैं आपको काला, लाल और पीले धागे के कुछ दिव्य ऐसे प्रयोग बताऊंगा कि यदि आप अपनी कलाई पर लाल, काला या पीला धागा बांध लें तो कैसे आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कैसे आपके कोई भी धागा आपके पास लाल, काला या पीला अवेलेबल हो तो इन धागों से किस तरीके से आपका रुका हुआ कार्य बन सकता है, किस तरीके से आप विघ्न बाधा से बच सकते हैं और कैसे आपके घर में धन की आवक पहले से बेहतर हो सकती है। तो मित्रों, आज तैयार हो जाइए काले धागे को लेकर, लाल धागे को लेकर और पीले धागे को लेकर। इन धागों को आप अपने किसी पुत्र पुत्री के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए तैयार कर सकते हैं। यही है इन धागों की खासियत। तो आज इन धागों का आपको ऐसा दिव्य में प्रयोग बताने वाला हूं कि आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे और आपको माता रानी की असीम कृपा देखने के लिए त्वरित रूप से अवश्य मिलेगी। तो ऐसे में आप क्या करें, सर्वप्रथम प्रातःकाल आप जो है स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, थोड़ा सा इत्र लगाइएगा माता रानी को। उसके बाद आप माँ के समक्ष खड़े हो जाइएगा। एक आपको 1.25 मीटर काला धागा लेना है। ये 1.25 मीटर या अपनी कलाई के हिसाब से आप ले सकते हैं। हम ये कहेंगे कि आप 1.25 मीटर सवाया लीजिएगा, 1.25 मीटर आप काला धागा लीजिए। उस काले धागे को आप हो सके तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ के श्री विग्रह के सामने आप खड़े हो जाइएगा और खड़े होने के बाद या बैठने के पश्चात आप माँ के समक्ष जो है गाय के घी का एक चतुर्मुख जो है दीपक, जो है चौमुख दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब आपको बता दूं, दिया प्रज्वलित करने के बाद आप अपने दाएं हाथ के अंदर जल लेकर संकल्प लीजिएगा जिस कार्य के निमित्त आप उस धागे को तैयार कर रहे हैं। ये आप स्वयं करिएगा, बताऊंगा बस मैं। तो ऐसे में आप उस काले धागे को एक लाल आसन पर बैठकर तैयार करिएगा। तैयार की क्या विधि रहेगी ये आप जान लीजिए। उस धागे को पहले से ही आप गंगा जल से शुद्ध करके रखिएगा। उस धागे पर माँ के श्री विग्रह से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आप लगाइएगा। तत्पश्चात वहीं लाल आसन पर बैठकर आप माँ के 32 नामों की जो माला है, ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गपद निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग नयंत्री दुर्गम मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत लोक दावानला दुर्गमा दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गमापदा दुर्गम विद्या दुर्गम आश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषिनी दुर्गम मोहा दुर्गम मगा दुर्गम अर्थस्वरूपिणी दुर्गम असुर सहंतरी दुर्गमायधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमतया दुर्गमया दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग धारिणी नामा विलिमाम यस्तु मानवे पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इस दुर्गा जी के 32 नामों का जब आप पाठ करेंगे, उस धागे को अपने समक्ष रखकर ही करिएगा। इन नामों के बाद आप मां के श्री विग्रह की फिर से धूप दीप से पूजा अर्चना करिएगा। पूजा के बाद आप इस धागे के ऊपर मां के ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करते हुए 27 गांठे लगाइएगा। जी बिल्कुल सही समझा मित्रों आपने, काले धागे के ऊपर आपको 27 गांठें लगानी है माँ के महामंत्र का जाप करते हुए। और इस धागे को लीजिएगा, अच्छे से गोल करके माँ के चरणों में रख लीजिएगा। चरणों में रखने के पश्चात वहां से आसन से आप उठकर चले जाइएगा। जब आपको लगता है कि आपको किसी कार्य के निमित्त जाना है, आपका कार्य बार बार बिगड़ रहा है, तो आप इस धागे की सहायता लीजिएगा, आपका कार्य का जो विघ्न है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब इसकी प्रयोग विधि क्या रहेगी, आपने धागे को तो तैयार कर लिया, ऐसे में इसको अपनी दाई कलाई के ऊपर आपको बांधना है। पुरुष और स्त्रियां जो है अपनी बाई कलाई के ऊपर बांधेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस कलावे को अपनी बाई या दाई कलाई पे बांधे, स्त्री या पुरुष या बालक बालिकाएं बांधे, तो माँ के श्री मंत्र का आपको जो है जाप करते रहना है और इस धागे को बांध लेना है। बस हो गया आपका कार्य सिद्ध। इतना सा आपको कार्य करना है, इतना सा आपको विधान करना है। आपका कार्य हर तरीके से जो विघ्न आ रहा होगा वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और माँ की श्री कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये तो बताया मैंने आपको मित्रों
काले धागे का एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो आप अपने घर में रहकर ही बिना कुछ पैसे खर्चे अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप श्रद्धा इसमें डालेंगे उतना ही प्रभाव आपको दिखाई देगा। ये आप करके देखिएगा, आनंदित आप अवश्य होंगे। और मित्रों एक प्रयोग बताता हूं आपको लाल धागे का। मित्रों आप व्यापारी बंधु हैं, आपका कार्य नहीं चल पा रहा, आपके हर कार्य के अंदर कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है, तो ऐसे में आप एक 1.25 मीटर लाल धागा लीजिएगा। इस लाल धागे को आप रेशमी या सूती ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या आप अपना देख लीजिएगा। तो ऐसे में इस 1.25 मीटर लाल धागे को आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा और लाल आसन पर बैठिएगा। माँ के श्री विग्रह के समक्ष जो है धूप दीप नैवेद्य सब अर्पण कर दीजिएगा। एक चौमुखा जो है तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और एक लाल चंदन की आपको माला लेनी है। माला लेकर हाथ में जल लेकर कि हे माँ आप मेरे विघ्नों को, आप मेरी समस्याओं को दूर करें, ऐसा हाथ में जल लेकर आप उस जल को माँ के विग्रह के समक्ष जो है आप छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात आप उस लाल चंदन की माला से ओम सर्व मंगलाय नमः, ओम सर्व मंगलाय नमः इस मंत्र का आपको जो है एक माला जाप करना है। जाप के बाद आप इस लाल धागे पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए 54 यानी कि 54 गांठें लगाइएगा इस 1.25 मीटर धागे के ऊपर। तत्पश्चात आप इसको एक गोले का रूप देते हुए, एक गोलाई का रूप देते हुए इस धागे को लपेट कर आप जो है माँ के श्री चरणों में रख दीजिएगा और वहां से आसन से आप उठ जाइएगा। उठने के बाद जो पहली आपको कन्या मिले उस कन्या को आप कुछ द्रव्य दक्षिणा दीजिएगा, कुछ उपहार दीजिएगा। तत्पश्चात उस कन्या से ही कहिएगा कि वो आपके मंदिर में आके जहां भी आपने ये पूजा अर्चना की है, विधान किया है, वहां पर आकर वही कन्या आपकी दाई कलाई पर ये धागा बांधे यदि आप पुरुष हैं, और यदि आप महिला हैं आपने यही कार्य किया है, आपका कोई व्यवसाय है, आपका अपना घरेलू कोई काम करती है, जिस भी कार्य के निमित्त आप करना चाहें ये आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उस कन्या से कहिएगा कि वो आपकी यदि स्त्री हैं तो आपकी बाई कलाई पर वो बांध दे। मात्र इतना सा उपाय करके देखिएगा और उस कन्या से कलावा बंधवाने के पश्चात, ये लाल धागा अपनी कलाई पर बंधवाने के पश्चात आप उसको कुछ दक्षिणा दोबारा से दीजिएगा और उसके चरण स्पर्श कर लीजिएगा। ये आपका द्वितीय कार्य सिद्ध हो गया। पहले मैंने आपको बताया मित्रों काले धागे का दिव्य प्रयोग, अब बताया मैंने आपको लाल धागे का वो दिव्य प्रयोग जो आपके हर कार्य के विघ्न को दूर करेगा और आपके घर के अंदर धन की आवक पहले से बेहतर कर देगा। अब बताता हूं मित्रों आपको एक ऐसा महादिव्य प्रयोग और जो कि पीले धागे का है। मित्रों आज के जमाने में क्या है मित्रों, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना लोगों में ज्यादा हो गई है, एक दूसरे को व्यक्ति विशेष फलता फूलता नहीं देख पाता, एक दूसरे के प्रति जो है घृणा की भावना, एक दूसरे से द्वेष की भावना जो है पहले से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में आपके प्रतिद्वंदी हैं, यदि आपके कोई शत्रु मैं नहीं कहूंगा, शत्रु शब्द जो है यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर प्रतिद्वंदी आपके हैं, आप उसे शत्रु मान चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप उससे शत्रुता की भावना को, अपने कर्मा को बैलेंस करिएगा और उसे शत्रुता की भावना त्याग दीजिए। आप अपने अंदर ही कुछ ऐसे गुण लेकर आइए कि वो व्यक्ति विशेष आपको शत्रु समझने के बजाय आपको अपना मित्र समझे। तो ये कार्य कैसे सिद्ध होगा, इस कार्य में मदद करेंगी हमारी माँ बगलामुखी। तो ऐसे में शत्रु बाधा है, प्रतिद्वंदी बाधा है, आपको किसी भी कारण से किसी व्यक्ति विशेष से खौफ है, दिल में डर है, तो इस पीले धागे का आप दिव्य प्रयोग अवश्य करिए। मित्रों इस पीले धागे का दिव्य प्रयोग जो आपको बता दूं, उससे पहले आपको एक पीला आसन लेना होगा, पीली हल्दी लेनी होगी, पीली जो है हल्दी की माला लेनी होगी और कुछ पीला मिष्ठान लेना होगा। पीले वस्त्र पहले से ही आप अवेलेबल करके रखिएगा। मित्रों रात्रि को 10 बजे के बाद आप एक पीले आसन पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए और हो सके तो माँ बगलामुखी के विग्रह को, स्वरूप को, यंत्र को, फोटो को अपने समक्ष रख लीजिए। उन्हें एक बाजोट पर, एक पीले पटरे पर, वहाँ पर पहले से ही हल्दी उस पर बिछाई हुई हो आपने, या फिर पीला वस्त्र आप वहाँ पर बिछा सकते हैं, उन पर आप जो है ना स्थान दे दीजिए और स्वयं जो है पीले आसन पर बैठकर दक्षिणाभिमुख होकर आप बैठ जाइए। रात्रि को 10 बजे के बाद आप हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिएगा कि हे माँ आप मेरे सारी विघ्न बाधाओं का शमन करें, विघ्न बाधा दूर करें और मेरे प्रतिद्वंदियों को सद्बुद्धि दें। हम में जो प्रतिद्वंदिता की जो भावना है
वो ना रहे, हम एक दूसरे के शत्रु के बजाय हम मित्र हो जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसी भावना सोचते हुए आप उस जल को जो है धरती पर जमीन पर आप गिरा दीजिएगा। तत्पश्चात आप पीली हल्दी की माला से ओम ह्रीं बगलाय नमः, ओम ह्रीं बगलाय नमः आप मंत्र का जो है लगातार 108 बार जाप करिएगा। ऐसे आपको कम से कम 11 माला जाप करनी है। समस्त प्रक्रिया के अंदर आप 1.25 मीटर पीले धागे को लेकर उनके श्री चरणों में रख दीजिएगा। तत्पश्चात आप उस धागे को उठाइएगा और मात्र 27 गांठे लगानी है आपको ओम ह्रीं बगलाय नमः कहते हुए। इस मंत्र को आप जपते रहिएगा मन ही मन और 27 गांठे उस पीले धागे पर आप लगा दीजिएगा। तत्पश्चात आप उस आसन से उठ जाइएगा और धागे को माँ के श्री चरणों में रख दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, उसी रात्रि में आप अपने घर की किसी कन्या से, किसी भी स्त्री से, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी दाई जो है कलाई पर आप माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे कल्ली बुद्धि विनाशा ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का आप मात्र 27 बार जाप करिएगा और उस पीले धागे को अपनी दाई कलाई पर बंधवा लीजिएगा। और दाई कलाई पर धागा बंधवाने के पश्चात पीले मिष्ठान का भोग जो है माँ को लगाइएगा। तत्पश्चात छोटी छोटी कन्याओं में नेक्स्ट यानी अगली सुबह आप बांट दीजिएगा। यदि रात्रि में ही वहाँ कन्या अवेलेबल हो, नवरात्रि के पर्व होंगे तो इसमें जो है आप वहीं पर जाकर कन्याओं को ये प्रसाद वितरित कर सकते हैं। तो मात्र इतना सा उपाय आपको करना है। तो मित्रों, आज मैंने आपको एक काले धागे का, एक लाल धागे का और एक पीले धागे का दिव्य प्रयोग बताया। ये प्रयोग जो है आप करके देखिएगा, हर तरीके से आप आनंदित होंगे, लाभान्वित होंगे, माँ जी की श्री कृपा आप पर अवश्य होगी और भगवती की असीम कृपा आप पर परिवार पर बनी रहे। ऐसे में घर के सभी लोगों को नवरात्रि के दौरान भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि के समय सायकाल के पश्चात जो है घर के अंदर भजन पाठ कीर्तन का आयोजन अवश्य करें और हो सके तो स्त्रियां घर के अंदर व्रत रखें, कन्या पूजन करें। सभी पुरुष जो है अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर मां के श्री विग्रह के दर्शन किसी भी दुर्गा मंदिर में या भगवती मंदिर में जाकर अवश्य करें। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने प्रयोग बताए हैं आप इनको करके देखिएगा, आप आनंदित होंगे, हर तरीके से आप लाभान्वित होंगे। अब वाणी को यहीं विराम दूंगा और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।